नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कनुप्रिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की ताजा खबरों पर। इंदौर में व्याप्त भीषण जल संकट के खिलाफ सोमवार को शहर कांग्रेस द्वारा नेहरू स्टेडियम जोनल कार्यालय पर मटका फोड़कर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा, शहर अध्यक्ष प्रमोद टंडन, निगम प्रतिपक्ष नेता फौजिया शेख अलीम व पंकज संघवी के नेतृत्व में कांग्रेस का जल संकट को लेकर जोरदार प्रदर्शन रहा। नेहरू स्टेडियम जोन पर प्रदर्शन में सभी नेताओं ने महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क पर मटके फोड़े। वर्तमान में चुनावी माहौल में कांग्रेस शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आम समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आज असलियत ये है कि गरीब बस्ती में कहीं पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। जहाँ पीने का पानी पहुँच भी रहा है पाइपों के द्वारा, तो ड्रेनेज का पानी मिला हुआ है। महापौर को जागना होगा और इन गरीब बस्तियों की समस्याओं को सुलझाना होगा, क्योंकि ये टैंकर खरीद नहीं सकते। टैंकर पहुँच रहे हैं आज होटलों में, बड़े बड़े घरों में पहुँच रहे हैं, पर गरीब बस्तियों में पीने के पानी की जो समस्या है उसको महापौर को अवश्य सुलझाना होगा। तो ये आज एक प्रदर्शन महापौर के खिलाफ पानी की समस्या। टैंकर देने से समस्या का हल नहीं है, उसको पानी भरना चाहिए, निर्विवाद रूप से भरना चाहिए। और जो पक्षपात पूर्ण काम हो रहा है, आज आप देखिए नर्मदा की लाइन है, जिस दिन ये चाहते हैं आज आंदोलन नहीं आए, आप देखो कल पानी सबको भरपूर मिलेगा और परसों से हालात वहाँ के वहीं हो जाएंगे। जहाँ तक टैंकरों की बात कर रहे हैं, प्राइवेट टैंकर कांग्रेस के नेता भी चलाना चाह रहे हैं और निस्वार्थ भाव से खुद का टैंकर है, खुद का डीजल है, पर पानी देने के नाम पे उनको आनाकानी की जा रही है कि भैया आप जलकारी समिति से बात करिए, हम महापौर जी से बात करिए, कमिश्नर जी से बात करिए। जब हम इन लोगों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भैया हमको क्या दिक्कत है, आप लगाओ। तो एक तरफ ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। विनियमितीकरण की अपनी मांग को लेकर राधौगढ़ नगर पालिका के सफाई कर्मियों की कामबंद हड़ताल सोमवार को भी जारी है। राघोगढ़ में काम सफाई कर्मियों की इस हड़ताल से नगर में सफाई व्यवस्था लड़खड़ा गई है। जगह जगह कचरे का अंबार लगा है। नगर पालिका अध्यक्ष आरती शर्मा की अनुपस्थिति में नगर के प्रतिष्ठित लोग सफाई में जुट गए हैं। जहां कांग्रेस नेता नगर के सफाई कार्य में लग गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर हड़ताली कर्मचारियों ने इसे कांग्रेस की नौटंकी बताया है। इंदौर शहर में हरियाली और प्रकृति के संतुलन बनाए रखने के लिए एरोड्रम रोड स्थित बीएसएफ ग्राउंड में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के नेतृत्व में 10,000 पौधे लगाकर इंदौर को ग्रीन रखने का संकल्प लिया गया। नगरपालिका निगम इंदौर व महानगर विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में हरित इंदौर अभियान का मंच के माध्यम से एयरपोर्ट रोड स्थित बीएसएफ के ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य इंदौर को हरा भरा कर शबे मालवा बनाना है। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बीएसएफ के जवानों और महिला कर्मियों ने 10,000 पौधे लगाकर शहर को स्वच्छ और हरा भरा रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों एवं उपस्थित जैन समाज की महिलाओं ने भी पौधे लगाए। रमजान माह में मगरीब के बाद इंदौर के खजराना में शकीना महल कमेटी हॉल स्थित सामूहिक रोजा इफ्तार कार्यक्रम में रोजेदारों ने अपना रोजा खोला। ऐसी मान्यता है कि रमजान के पावन माह में रोजा रखने वालों को 1,000 माह का पुण्य मिलता है। इसी तारतम्य में इंदौर के खजराना के शकीना महल कमेटी हॉल में सैकड़ों रोजेदारों ने मगरीब के बाद सामूहिक रूप से रोजा इफ्तार कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर अकरम खान, पार्षद उस्मान पटेल, अख्तर नेता राजिक खान आदि ने रोजेदारों की अगुवाई की। भाजपा आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ पहले कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं मिलता था और आज नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अपने इस 4 साल के कार्यकाल में कई सौगातें दी है। यह बात सांसद नंद कुमार सिंह ने बुरहानपुर जिले के भावसा गांव में सांसद जन संवाद कार्यक्रम में कही। बुरहानपुर जिले के भावसा में सांसद संवाद कार्यक्रम में सांसद नंद कुमार सिंह ने उन दिनों को याद किया जब क्षेत्र में कांग्रेसियों की तूती बोला करती थी। जनसंवाद कार्यक्रम में सांसद के समक्ष करीब 40 से अधिक गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिरकत की। कार्यक्रम में सांसद ने आदिवासियों की रैली में नृत्य के साथ संवाद स्थल पहुंचे और बांसुरी भी बजाई। इस अवसर पर सांसद ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 वर्षों की उपलब्धियां जनता को बताई।
मोदी जी के 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उनके सफल 4 वर्ष पूर्ण होने पर सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में बड़े बड़े कार्यक्रम करके, सम्मेलन करके और जनता के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सब कामों का उल्लेख करना है। राष्ट्रीय जैन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्थापना दिवस पर विगत दिनों इंदौर के लाभ मंडपम में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें समग्र जैन समाज को अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल होने एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय जैन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित कार्यशाला में मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय जैन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य सुनील सिंधी थे। कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को भी अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। ये जो है मुख्य राष्ट्रीय जैन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो माइनॉरिटीज़ को लेकर जैन समाज को क्या फ़ायदे हैं, उसको उस उद्देश्य को लेकर ये संस्था का गठन किया गया। उसका स्थापना दिवस है एवं साथ ही एक कार्यशाला इस बात को लेकर दूसरे सत्र में रखी गई है कि अल्पसंख्यकता का दर्जा जैन समाज को मिलने के बाद में क्या क्या अल्पसंख्यकता के फ़ायदे हैं, क्या क्या सरकारी योजनाएँ हैं। कार्यक्रम में जो आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे, वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और हमारे जैन समाज के गौरव सुनील सिंह जी, सेलो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राठौर साहब और पारस चैनल के मोदी जी, ये आज के हमारे अतिथि हैं। धार जिले के धामनोद थाने के अंतर्गत NH3 पर गणेश घाट पर एक कंटेनर में आग लग गई। खबर के मुताबिक कंटेनर में 6 कार ले जाई जा रही थी। आग में सभी कार और कंटेनर जलकर राख हो गए। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कंटेनर में आग लगते ही ड्राइवर और क्लीनर ट्रक छोड़कर भाग निकले। मुरैना जिले के अम्बाह में मध्य प्रदेश अग्रवाल युवा महासभा इकाई अम्बाह द्वारा अग्रध्वज यात्रा का स्वागत करते हुए अग्रवाल युवा शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा महाराजा अग्रसेन जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि नितेश अग्रवाल ने कहा कि अग्र ध्वज यात्रा अग्र युवा शक्ति में जागृति पैदा करेगी, क्योंकि जब युवा शक्ति जागृत होती है तो समाज में नई चेतना आती है जो समाज को संगठित करने का काम करेगी। मुरैना जिले के जोरा में विधायक सुबेदार सिंह रधोजा द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर ग्राम विकास यात्रा निकालकर लोगों की समस्याओं का निराकरण कर विकास कार्यों का उल्लेख भी किया जा रहा है। विधायक ने क्षेत्र में अनगिनत विकास कार्य भी कराए हैं, चाहे वह सड़क हो, स्कूल हो या हॉस्पिटल या फिर किसी पीड़ित की मदद, विधायक हमेशा तत्पर रहते हैं। साथ ही सूबेदार सिंह का ग्राम ग्राम में लोग स्वागत कर रहे हैं। अभी तक दर्जनों ग्रामों में विकास यात्रा की जा चुकी है। इस अवसर पर अपनी विधानसभा में स्वीकृत विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश और देश की हर अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।